अचानक में मेरे पीछे आए, ठीक है। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक मेरे फ्रेंड ने मस्ती मस्ती में मुझे पीछे से बहुत जोर से पकड़ा तो मैंने देखा नहीं क्योंकि उसकी हाइट बॉडी भी थी और बॉडी भी ऐसे टर्न है, तो मैंने सिंपली उसको ऐसे मार दिया, तो वो बैठ गया, बोलता है साले मजाक कर रहा है, मुझे थोड़ी पता कि तू मजाक कर रहा है। ऐसा होता है कई बार, बाल आराम से छोड़ देगा और जैसे ही अपने बॉडी टर्न की, दो पैरों के बीच में कीक मारनी है वीक पॉइंट पे, आराम से वो छोड़ देगा। पर अगर आपने ऐसे करके ऐसे खींचने के लिए आप इस तरफ गए तो वो आपको एक ही चक्के में नीचे गिरा देगा। अब आपको कोई भी पकड़े तो आप पहले हाथ पकड़ो ये वाला, और यहाँ से उसकी कलाई पकड़ी और बॉडी को टर्न करो। जैसे ही आप टर्न हुए, अगर पास में है तो घुटना मारना है, अगर दूर है तो की, समझ में आया। ये सब इजी टेक्निक है, अगर एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 100% आप बच जाओगे। और कोई क्वेश्चन की कोई ऐसे पकड़ने है? यस, और गरबा के पीछे आप लोगों को पता है कितने पैसे, मेकअप के पीछे, पर वो लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है। क्रिकेट भी सीखते हैं क्या, पूरी जिंदगी बैट लेके घूमोगे हर एक जगह में? कराटे एक ऐसी गेम है, अगर आप एक बार सीखोगे ना तो आपका डर दूर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, और आप कॉन्फिडेंस से चार पांच आ जाए दस आप कर लेते गला, तब आप क्या करोगे? जैसे आपको इसने पकड़ लिया ना, आप ऐसे घूम पाओगे ना ऐसे, राइट? कोई ऑप्शन है? तब आप क्या करना है, कोई भी हाथ लो, आप इस साइड हो इसलिए मैं आपको इस साइड से दिखा रहा हूँ, एक आपको पैर पीछे, आपको क्या करना है, बॉडी को दूर थोड़ा साइड कर दो क्योंकि उसने हाथ लॉक किया है, पर आपका हाथ इतना फ्री है ना, तो दो पैरों के बीच में जोर से मारना है, समझ में आ रहा है? सबसे कमजोर जगह वहां पे उसे लगते ही तुरंत आपको छोड़ देगा और आप वहां से भाग सकते हो, या तो दूसरा तरीका डिफेंस, अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे उसको रोकोगे नहीं, अगर आप डायरेक्ट मारने जाओगे तो 100% आपको लग जाएगी। तो कभी भी कोई वार करे तो पहले होता है उसका डिफेंस करना, रोकना, अगर बिना रोके उसको वार करने गए तो उसको लगेगी सही पर आप भी नहीं रहोगे। अगर वो मार रहा है तो पहला होता है डिफेंस, और इसको कैच करना होता है, पकड़ो गिरा दो, चाहो तो दो पैरों के बीच में मारो क्योंकि वो कमजोर जगह है, या तो उसके फेस पे भी कीक मार सकते हो या तो गले पे वार कर सकते हो। ये हुआ, आप लोग के कोई क्वेश्चन हो कि कोई ऐसे पकड़े तो क्या करना है, कोई सवाल है आप लोग पूछो कि अगर कोई ऐसे उठेगा भी नहीं सेम, और ठीक है सामने है वो पीछे था तब आप कुछ भी कर सकते थे, अगर सामने से मैं ऐसे पकड़ने जाओ तो वो उसको दिख रहा है वो तुरंत मार देगा। यहाँ पर जब हाथ हो ना तो आप उससे बात करो, हैंडल करो उसको, सिचुएशन को पहले देखो उसका हाथ कहाँ पे है, उससे बात करो, उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप डर गए, पर डिफेंस तभी करना जब आपको आता हो, वरना ट्राई भी मत करना, जो है दे देना। तो मैं उससे बात करूंगा कि भाई मारना मत, मेरे पास है पैसे वैसे है तो पैसे दे दो, मोबाइल है मोबाइल दे दो, घड़ी दे दो, फिर उसे बोलो कि अरे मेरे पास और पैसे मारना मत। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे करोगे तो उसका ध्यान यहाँ पर ही आएगा, उसको लगेगा हाँ भाई ये डर गया पैसे दे रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना, बोलती कि कोई माने कि ना माने हम शादी कर लेते हैं, भले करे कि ना करे थोड़ी देर के लिए सही, झूठ बोलने में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसका गुस्सा ठंडा होता वो नहीं मारता, 100% नहीं मारता, अगर उसको मारना होता तो वो वेट क्यों करता, मार के भाग सकता था आराम से, सही है ना? जिसको मारना होता ना तो वो ऐसे नहीं रखता, तुरंत मार देता भाग भी जाता है। अगर ऐसे बात करते करते वो लड़की सिर्फ यू करती और उसके दो पैरों के बीच में मारते मुक्का तो बच सकते थे। दूसरा तरीका, सपोज अगर ना मार पाए ऐसे था, बात करते करते हाथ को यू पकड़ना था, यहाँ से दूसरे हाथ को सपोर्ट लेके एल्बो टर्न करना, उसकी वो कोनी है कोनी को ऐसे तोड़ देना चाहिए था, ऐसे मारोगे टूट जाएगी क्योंकि हाथ यहाँ से ऐसे मुड़ सकता है पर यू मुड़ नहीं सकता है, समझ में? तो इसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो वो दोबारा वार करेगा, तो इसको पकड़ के टर्न करो, तोड़ दो, दो पैरों के बीच में मारो, यहाँ से टर्न के गर्दन नीचे भी और फेस पे भी मार सको, ये एडवांस लेवल, पैरों के बीच में कीक मारना है, या तो स्टेप लो एक पैर आगे रखो और घुटना दो पैरों के बीच में मारना है,
कितना भी ताकतवर इंसान होगा वो छोड़ ही नहीं देगा 100%, और आप वहां से भाग सकते हो। दूसरा तरीका, कोई आपका गला पकड़ ले तो, कई बार होता है ना अचानक में कोई ऐसे गर्दन पकड़ ले तो डर जाते हैं, बहुत लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि आपने वो चीज सीखी नहीं है। जैसे इन्होंने गर्दन पकड़ ली, ठीक है, ये तो इन्होंने अपने हल्के से बोला है कि मैं बोल पाऊ ये तो कई बार क्या होता है कि हम बोल भी नहीं पाते, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ऐसे, तो आपकी सांस नली भी टूट सकती है, ठीक है। तब आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। अब बहुत बार क्या आप सीखे नहीं होते तो आप लोग डर जाते हो और हाथ यहाँ पे पकड़ के ऐसे ऐसे छुड़ाने की ट्राई करो। पर आप एक चीज नोट करिए, उसकी टोटल बॉडी खाली है, चाहो तो आप उसके गर्दन पे ऐसे मुक्का भी मार सकते हो, श्वास नली पर डिफेंस में आप मार सकते हो, आप पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपको पुलिस पकड़ेगी सही, और वो लोग उस पे जांच पड़ताल करेंगे कि सही बात क्या थी। तो आप सेल्फ डिफेंस में आपने मारा है तो आप 100% आप बच जाओगे। दूसरा तरीका, उसके दोनों आंखों में अंगूठे से मार देना नाखून, उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि उसको लग जाएगी, अगर आप उसे नहीं मारोगे तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला, ये चीज याद रखना। अभी वो जो ग्रीष्मा वाला हादसा हुआ है ना, देखा है ना कितने लोग थे उसके पास, है ना, 100% थे, किसी ने हेल्प की उसकी, कोई नहीं की। और वो वीडियो देखा आप सबने, 21 सेकंड का वीडियो था, मेक का वही हादसा जो हुआ था। आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं तो आपकी पढ़ाई में आ सकती है। अब नेक्स्ट कुछ वही चीज जो हुआ था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चाहते तो वो लोग उसे बचा सकते थे, उस लड़की को, इतने लोग थे ना उसके आसपास थे, बचा सकते थे, चाकू यहाँ गर्दन पे थी, नाइफ यहाँ पे थी, इतनी दूर थी, चाहते तो सब लोग बचा सकते थे, ध्यान बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। अच्छा बीजू कोई कोई बचा नहीं सकते हो तो हटा लोग को हटा, नाइफ यहाँ तो गया है। मैं इंडिया का नेशनल रेफरी और जज भी हूँ और मुझे 25 साल हो गए कराटे में, और मैंने अभी तक जो सूरत में अभी बहुत सारे केसेस भी हुए हैं उसके पहले से भी, और अभी जो हादसा हुआ था तो उसके बाद कमिश्नर सर जी ने हमें बुलाया, फिर हमारे साथ मीटिंग भी की। उसके बाद हमने 3 महीने के अंदर हमने 2 लाख से ऊपर लोगों को हमने ट्रेनिंग दी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। और वही चीज हम आपको यहाँ पे भी सिखाने आए हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमें ये सीखना है, पर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट दे गए जो स्टेट और नेशनल लेवल पर, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पर कई बार क्या होता है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, कई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता या कई कोच भी नहीं मिलते अच्छे, तो फिर क्या होता है कि वो लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग आपके बच्चे जिस भी गेम में माहिर हैं तो उन्हें प्लीज आप सपोर्ट करिए जिससे वो आगे बढ़ सके। तो हम आपको कुछ सेल्फ डिफेंस के टिप्स देंगे और दिखाएंगे, ट्रेनिंग भी करते हैं, जो आप कोई भी इंसान, आपको अननोन पर्सन, आपको कोई पकड़ रहा या कोई मारने आ रहा, तो आप डिफेंस कैसे कर सकते हैं और अटैक कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सपोज कोई इंसान, कई बार क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ ये छेड़खाना सुनसान जगह पे होता है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अगर कोई इंसान आपका हाथ पकड़ ले तो क्या करोगे, जैसे मेरा इन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कॉमन पर्सन होगा वो खींचेगा, राइट, छोड़ने वाला है नहीं छोड़ेगा, आप जितनी भी गाली दोगे तो भी वो नहीं छोड़ेगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, अगर ऐसे दो हाथ पकड़े तो आपको करना क्या है, इनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ के बीच से खुद का हाथ पकड़ यहाँ से और ऊपर की तरफ खींचना है, छोड़ देगा। गलती क्या नहीं करनी है, नीचे से हाथ नहीं पकड़ना, अगर आप नीचे से हाथ पकड़ोगे तो वो नहीं छुड़ा पाओगे, ठीक है।
और जब आप छुड़ा रहे हो ऐसे तो एक पैर पीछे रख लो जिससे आपका